हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट 2-3 हफ्ते में रेगुलर वीडियोस अपलोड नहीं कर रहा हूं क्योंकि अभी मेरे घर पे रिनोवेशन का काम चल रहा है जो बहुत ही जल्दी खत्म होने वाला है। उसके बाद आपको पहले की तरह पर वीक 2-3 वीडियोस आपको मिनिमम मिल जाएंगे। बात करते हैं आज के वीडियो के बारे में। आज मैं अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू करने वाला हूँ एक कार विद्युत डिवाइस का, इसका नाम पोटोनिक्स ऑटो 10। इस डिवाइस की प्राइस 799 मतलब 800 रुपीज है और इसको परचेस करने के लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बेसिकली एक ब्लूटूथ डिवाइस है जिसको आप अपने कार में अटैच कर सकते हो। उसके बाद आप अपने फोन की हेल्प की वजह से अपने कार में म्यूजिक प्ले कर पाओगे, कॉलिंग कर पाओगे और यहाँ पे आपको 2 चार्जिंग पोर्ट भी मिलेगी जिससे आप अपने मोबाइल को भी चार्ज कर पाओगे। बहुत ही यूनिक डिवाइस है, आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। वीडियो देखने के बाद वीडियो आपको यूजफुल लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को आप लाइक करना और मैं इस तरह से न्यू मोबाइल फोन लॉन्च के बारे में, न्यू गैजेट के बारे में, न्यू टेक्नोलॉजिकल अपडेट के बारे में वीडियो अपलोड करता हूँ। अगर आपको इन सब वीडियो में इंटरेस्ट है आप वीडियो को सब्सक्राइब करना बेल आइकन प्रेस कर दें। ये रहा पोटोनिक्स ऑटो 10 का बॉक्स है। फ्रंट साइड में आपको ब्रांड नेम पोटोनिक्स लिखा मिलता है, साइड में आपको मॉडल नेम मिल जाएगा। बॉक्स की दोनों साइड में आपको सारे फीचर्स के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जिसको हम पूरा चेकआउट कर लेंगे। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अनबॉक्स में, देखते हैं बॉक्स के अंदर क्या क्या मिलता है। अनबॉक्सिंग करते ही सबसे पहले आपको मिलता है यूज़र मैनुअल। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया आपको मैनुअल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये रहा हमारा मेन डिवाइस पोटोनिक्स ऑटो 10 जो ओनली आपको ब्लैक कलर में ही अवेलेबल है। सबसे पहले हम बात करते हैं डिज़ाइन एंड बिल्ड क्वालिटी के बारे में। इस पूरे डिवाइस का वेट ओनली 38 ग्राम जो काफ़ी लाइट वेट है। डिवाइस काफ़ी वो कॉम्पैक्ट डिज़ाइन में आपको मिलता है जिसको बहुत ही आराम से अपने कार में अटैच कर सकते हैं, बहुत ही कम स्पेस ऑक्यूपाई करता है, बिल्कुल भी आपको डिस्टर्बेंस नहीं होगा। अगर बात करें मटेरियल क्वालिटी के बारे में, यहाँ पे काफ़ी हाई क्वालिटी का प्लास्टिक मटेरियल आपको मिल जाएगा। डिवाइस दिखने में काफ़ी अच्छा, काफ़ी वो कूल एंड प्रीमियम लुक प्रोवाइड करता है। अगर बात करें कनेक्टिंग जॉइंट्स के बारे में जिसमें काफ़ी आपको हाई क्वालिटी आपको स्प्रिंग मिलेगी बहुत ही आराम से और सिक्योरली आप इसको अपनी कार में फिट कर पाओगे, बिल्कुल भी आपको मूवमेंट नहीं मिलेगा। फ्रंट साइड में आपको यहाँ पे डिस्प्ले मिलते हैं, उसके नीचे आपको 2 बटन्स मिल जाएंगे और नीचे आपको 2 चार्जिंग पोर्ट्स मिलते हैं अपने मोबाइल को चार्ज करने के लिए। साइड में आपको और दो आपको 2 बटन्स मिल जाएंगे और ऊपर की तरफ आपको माइक्रो एसडी स्लॉट मिलता है जहाँ पे आप अपने मेमोरी कार्ड को इंस्टॉल कर सकते हो। और फाइनली आपको कॉलिंग के लिए आपको एक माइक्रोफोन मिल जाएगा जिसमें आपको नॉइज कैंसिल का आपको फीचर मिल जाएगा। सो अभी हम अपनी कार में आ चुके हैं। इस कार को मैंने ऑलरेडी ऑन करके रखा है जिससे आपका रेडियो भी ऑन हो जाएगा। सभी कार में आपको इस टाइप का पावर आउटलेट मिलता है, सिंपली आप इस तरह से इंसर्ट करके अपने डिवाइस को यहाँ पे अटैच कर सकते हो और ये डिवाइस ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। यहाँ पे शो कर रहा है 107.4 फ्रीक्वेंसी शो कर रहा है। आपको अपने रेडियो में भी आपको 107.4 सेम फ्रीक्वेंसी को सेट करना है जिससे डिवाइस और आपका रेडियो एक साथ कनेक्ट हो जाएगा। सो नेक्स्ट आपको अपने इस डिवाइस को अपने फ़ोन के साथ ब्लूटूथ से कनेक्ट करना है। उसके पहले सबसे पहले आपको अपने फ़ोन का ब्लूटूथ ऑन करना है इस तरह से। और यहाँ पे आपको नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पे आ गया अवेलेबल डिवाइस, यहाँ पे आ जाएगा ऑटो 10। सिंपली आपको ऑटो 10 पे क्लिक कर लेना है, यहाँ पे पैर पे क्लिक कर लेना है और बहुत ही फास्ट ये डिवाइस आपके फ़ोन के साथ कनेक्ट हो जाएगा। और इस डिवाइस में आपको 2 चार्जिंग पोर्ट्स मिलते हैं। सिंपली आप इस तरह से अपने 2 यूएसबी केबल को यहाँ पे अटैच करके इस तरह से दोनों यहाँ पे अटैच हो गए और सिंपली आप इस तरह से अटैच करके आप अपने 2 डिवाइस को एक साथ आप चार्ज कर सकते हो जो काफ़ी अच्छा आपको फीचर मिल जाएगा। सो भी हमारा डिवाइस हमारे फ़ोन के साथ कनेक्ट हो चुका है। सिंपली आप इस तरह से अपने किसी भी सॉन्ग को प्ले कर सकते हो। मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ, थोड़ा वॉल्यूम डाउन करता हूँ, इस तरह से आप वॉल्यूम डाउन कर पाओगे। आप खुद चेक करें इसकी साउंड क्वालिटी कैसी है, यहाँ पे से आप वॉल्यूम डाउन कर सकते हो, फोन से भी यहाँ से इसको हाई कर सकते हो, आप रेडियो में से भी आप अपने वॉल्यूम को इंक्रीज कर सकते हो और सिंपली आप इस बटन पे क्लिक करके अपने सॉन्ग को स्टॉप कर सकते हो इस तरह से एंड फिर से क्लिक करके सॉन्ग को स्टार्ट कर पाओगे जो काफ़ी अच्छा आपको फीचर मिलता है। अब इसको वॉल्यूम में फुल कर रहा हूँ। काफ़ी आपको लाउड वॉल्यूम मिल जाएगा और सिंपली आप इस बटन पे क्लिक करके आप बास को भी बूस्ट कर सकते हो। देखो अभी बास बूस्ट हो गया, इसमें काफ़ी साउंड क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है। और यहाँ पे साइड में आपको 2 बटन्स मिलते हैं, सिंपली आप इसको क्लिक करके आप अपने इस तरह से प्रीवियस सॉन्ग में जा सकते हो और फिर से यहाँ पे क्लिक करके आप अपने नेक्स्ट सॉन्ग में आ पाओगे जो काफ़ी अच्छा आपको फीचर मिल जाता है। और इस डिवाइस में ऊपर की तरफ आपको माइक्रो एसडी कार्ड स्लॉट मिलता है जिसमें आप अपने मेमोरी कार्ड को इंस्टॉल करके आप म्यूजिक को प्ले कर पाओगे। और यहाँ पे जो 2 पोर्ट मिलते हैं इसमें आप एक पोर्ट के अंदर यहाँ पे आपको म्यूजिक का आइकन मिलेगा। सिंपली यहाँ पे आप अपने पेन ड्राइव को अटैच करके इस तरह से आप पेन ड्राइव से भी म्यूजिक को प्ले कर पाओगे जो काफ़ी अच्छा आपको फीचर मिल जाता है। और यहाँ पे आपको कॉलिंग के लिए माइक्रोफोन मिलेगा जिसमें आपको नॉइस कैंसिलेशन मिलता है। सो अभी हम चेक करते हैं इस डिवाइस की कॉलिंग में साउंड क्वालिटी कैसी है। So, अभी इस डिवाइस में कॉल आ रहा है, देखो देख सकते हो मुझे कॉल आ रहा है। सिंपली यहाँ पे प्रेस करके अपनी कॉल को पिकअप कर सकते हो। देखो अभी पिकअप हो गया, देखते हैं साउंड क्वालिटी कैसी है। माइक टेस्टिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। हेलो, माइक टेस्टिंग।
सो आप चेक कर सकते हो इसकी साउंड क्वालिटी कैसे, काफी वो क्लियर साउंड आपको मिल जाएगा। इस माइक्रोफोन में आपको नॉइस कैंसिलेशन भी आपको मिल जाता है और सिंपली फिर से आप एक टैप करके अपने कॉल को डिसकनेक्ट कर पाओगे। सो भी आपको ऑटोनिक्स ऑटो 10 के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई है। बहुत ही यूनिक एंड वैल्यू फॉर मनी डिवाइस है, इसको आप डेफिनेटली परचेस कर सकते हो, पर उसके लिए लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो भी आपको वीडियो यूजफुल लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को आप लाइक करना, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर सब्सक्राइब कर लिया तो मिलते हैं अगले वीडियो में।